हमारे अगर सनातन हिंदू धर्म की आप बात करें या भारत के अंदर जन्मे किसी भी व्यक्ति की बात करें, मैंने दोनों बातें इसलिए कही है कि आपने मुझे इस बारे में कहा कि मैं एक योगी हूं और साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री हूं, दोनों में समन्वय। लेकिन योगी का भी लक्ष्य होता है लोक कल्याण का, और मुख्यमंत्री के रूप में भी मेरा दायित्व है कि मैं लोक कल्याण के पथ पर चल करके अपने राष्ट्र धर्म का निर्माण करूं। जब द्वंद्व होता है, व्यक्ति के मन में दुविधा होती है, तो व्यक्ति के सामने फिर शंकु की तरह लटकने की स्थिति होती है। मेरे सामने कोई दुविधा नहीं है, मेरा लक्ष्य निर्धारित है, मेरा धर्म निर्धारित है। धर्म का मतलब वह नहीं जो एक सामान्य भाषा में हम लोग समझते हैं। मेरा धर्म मेरा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म का मतलब जो मुझे मेरे कर्तव्यों के बारे में, मूल्यों और आदर्शों के बारे में मुझे सदैव सचेत करता है, वही मेरा राष्ट्र धर्म है। पूजा पद्धति, उपासना विधि, ये मेरी व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना का हिस्सा है। वह मैं कैसे करूं या किसी व्यक्ति को कैसे करना, ये उसकी स्वतंत्रता उसको है। मैं उसमें अपनी बात को थोप नहीं सकता या कोई मुझ पर अपनी बात को थोप नहीं सकता। लेकिन राष्ट्र धर्म हर एक व्यक्ति का निर्धारित है और वह सभी पर देश काल परिस्थिति को छुए बगैर सबके समान रूप से लागू होता है। जो भी व्यक्ति अपने उस राष्ट्र धर्म का पालन करे, मुझे लगता है उसके लिए किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, अगर वह अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, वह एक सामान्य योगी हो, सन्यासी हो, एक मजदूर हो, या कोई प्रशासनिक अधिकारी, या फिर किसी भी फील्ड में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके लिए फिर इस सीमाएं नहीं रह जाती हैं कि समान है। क्योंकि जब लक्ष्य एक है और हमें उस पवित्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, तो फिर हमारे सामने कोई भी दुविधा नहीं रहती। इसलिए जीवन में मैं यहाँ पर अभ्युदय से जुड़े हुए जितने भी हमारे युवा हैं, उन सबसे इस बारे में कहूँगा कि जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है और जीवन में सफलता प्राप्त करनी, तो दुविधा मत रखना। दुविधा जब भी रखेंगे तो दुविधा में दोनों गए माया मिली राम वाली स्थिति हो जाती है। अभी मैं आप सबसे भी कहूँगा कि इसका फायदा आप जरूर करिए। को
और हमें प्रयास करना चाहिए। मैं भी बताऊंगा हृदय योजना के बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे। और हमने इसमें इसलिए दोनों सुविधाएं दी है कि व्यक्ति साथ साथ क्लास अटेंड भी कर सकता है या फिर वर्चुअली भी जुड़ सकता है। अभी जैसे हमने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डिजिटल लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया है, कितना लाभ इससे होने जा रहा है। यानी दुनिया को, दुनिया के ज्ञान को, ज्ञान की अपार संभावनाएं हैं। दुनिया के ज्ञान को एक स्मार्टफोन में आप ले रहे हैं। आज की पीढ़ी के लिए तो ये सब कुछ बहुत सहज और सरल हो गया है। इसलिए आप यहां पर तैयारी के लिए आए हैं, प्रयास थोड़ा मेहनत करिए, प्रयास करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए। जीवन में कहीं भी देखिए असफलता से व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर जीवन में आपने बेहतर प्रयास किया, कहीं असफलता लगती है तो मानते चलिए कि कोई अच्छी सफलता, कोई अच्छी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है जो भविष्य के लिए आपको सचेत कर रही है। और इसलिए इन चीजों से कभी भी प्लान का रास्ता नहीं अपनाना है। न दैन्यम न प्लायनम, एक भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, न दीनता दिखानी है और न प्लान का रास्ता अपनाना है। हमें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास करना है और उस अहर्निश प्रयास का नाम ही है अभ्युदय योजना। इस योजना को प्रदेश सरकार ने वसंत पंचमी के दिन प्रदेश के अंदर शुरू किया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति, यहाँ गोरखपुर के युवाओं की इतनी बड़ी उपस्थिति, उसका एक बहुत यानी बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करता है। लेकिन हमें इसके प्रति बहुत सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए और आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरदिश प्रयास करें, सफलता उससे प्राप्त होगी। जी सर्विस करते होंगे, वह वेतन आपके परिवार को मिलता है तो उससे आपका परिवार चलता है। लेकिन अगर परिवार में आपकी माता जी भोजन ही नहीं बनाएंगी, क्या वेतन से ही सब काम हो जाएगा? परिवार के अन्य सदस्य भी होंगे, वो घर के कार्य में किसी न किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तब घर की व्यवस्था संचालित होती है। ऐसे ही देश की व्यवस्था भी है। वह व्यवस्था लीडरशिप हमें एक नई दिशा दे सकता है, एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन लीडरशिप के साथ साथ देश के हर एक फील्ड के कार्य करने वाले लोगों का दायित्व बनता है। वह किसी भी फील्ड का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह कर्मचारी हो, वह राजनेता हो, वह मंत्री हो, वह एक सामान्य नागरिक हो, हर व्यक्ति का दायित्व है कि जो उसके लिए निर्धारित उसके कर्तव्य है। देखिए हमारा संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी हमेशा आगाह करते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाए तो देश दुनिया की एक नई ताकत बनेगा। महाभारत में यही बात कही गई है, राजा कालस्य कारणम, यानी राजा काल का कारण होता है, काल राजा का कारण नहीं हो सकता। राजा हम सब चुनते हैं। आज के समय में देश का प्रधानमंत्री हम
छह वर्षों के अंदर भारत की तस्वीर बदली है, वैश्विक मानचित्र पर भारत का सम्मान बढ़ा है, क्योंकि जब एक यशस्वी नेतृत्व देश को मिलता है तो यशस्वी नेतृत्व उसी प्रकार के फैसले लेकर के देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है, उसके परिणाम भी सामने आते हैं, उससे लोक कल्याण का भी हित होता है, विकास की योजनाएं भी बढ़ती हैं, वैश्विक मंच पर नागरिकों का सम्मान भी होता है। आज जितने भी हम प्रवासी भारतीयों से बात करते हैं या भारतवंशी परिवार जो किसी कालखंड में भारत से दुनिया के किसी देश में बस गए हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं तो बहुत पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स होता है, बहुत सकारात्मक उनका रवैया होता है और उनको गौरव की अनुभूति होती है कि देखिए हम सब भारत के अंदर भारत की व्यवस्था पर गौरव की अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि हम अब दुनिया में जाते हैं तो दुनिया में हमें सम्मान मिलता, कहां से आए हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भारत से आए हैं, तो लोग हमें सम्मान की निगाहों से देखते हैं और फिर लोगों के मुंह से निकलता है अच्छा पीएम मोदी के देश से। ये शब्द दुनिया के अंदर अगर लोगों के मुंह से भारत के नागरिकों के प्रति निकलना है आज के दिन, पर इसलिए क्योंकि उस प्रकार का नेतृत्व है, लेकिन नेतृत्व देश की जनता ने दिया है, इसलिए देश की जनता का दायित्व भी बनता है कि हम अपने नेतृत्व की मंशा के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में जहां भी हम कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थी उसका दायित्व क्या है, वह मनोयोग से अपने पठन पाठन के साथ जुड़े। एक शिक्षक उसका दायित्व बनता है कि वह मनोयोग से अपने अध्यापन के साथ जुड़े। एक कर्मचारी समय से अपने ड्यूटी का निर्वहन करे। एक वैज्ञानिक समय से अपने शोध को आगे बढ़ाए। एक राजनेता समय से अपने सेवाओं के कार्यों को आगे बढ़ाए। हर एक फील्ड का व्यक्ति अगर अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने लग जाएगा तो दुनिया की ताकत बनने में भारत को कोई देर नहीं लगेगी, और एक अच्छी दिशा में भारत ने जो प्रयास प्रारंभ किया है विगत छह वर्षों में उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं और आगे भी उसके बहुत अच्छे परिणाम आने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विस्तृत कार्यक्रम में से इतना समय निकला, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं